सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम को कुछ हल्का खाने का मन कर रहा हो तो बनाइए ये सूजी रोल्स जो कि काफी मसालेदार है। बगैर तेल के बना हुआ ये सूजी रोल्स बनाने में तो इजी है ही, साथ ही साथ ये काफी हेल्दी भी है। और साथ ही में हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी चटपटी सी टमाटर की चटनी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सूजी रोल बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप सूजी और इसे हम डालते हैं जार में। और साथ में इसमें हम डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून दही। दही 1 से 2 दिन पुराना हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फ्रेश दही हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं पानी, लगभग 1/2 कप पानी डाल रहे हैं। और एक बार ब्लेंड करने से पहले हम इसे चला लेते हैं जिससे कि ब्लेंडिंग करते समय आसानी रहेगी। तो ये देखिए मैंने कितना पानी ऐड किया था और सूजी ने पानी अब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं और अब इसे हम ब्लेंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बैटर बनके रेडी हो गया। इसी तरीके से स्मूथ बैटर बनाना है, लेकिन अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें हम डालेंगे पानी। तो इसमें हम डालते हैं 1/2 कप पानी, थोड़ा पतला बैटर हमें इसका बनाना है। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच जीरा, या फिर आप यहाँ पे जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालते हैं, लगभग 2 चम्मच चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, बहुत ही थोड़ा सा कलर देने के लिए, ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा करी पत्ता इस तरीके से रफली तोड़कर हम डालते हैं। और साथ ही में डालते हैं धनिया की पत्ती, ये जितना ज़्यादा खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी डाल देते हैं, ये आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और सभी मसालों को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से आसानी से बन जाता है, तो इसे आप सुबह में जरूर बनाइए, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा और काफी सॉफ्ट भी बनता है। तो यहाँ पर जो बैटर है ना वो ऐसा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उतनी सॉफ्टनेस नहीं आएगी, थोड़ा सा पतला बैटर ही हमें बनाना है। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैं 1/2 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ, इससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बाकी कलर आएगा बाद में जब हम कुक कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं ऐड करना है। और ये जो बैटर है अभी बहुत गाढ़ा है तो इसे हमें पतला करना है, तो इसमें हम और पानी डालते हैं। तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं, जार में एक्चुअली बहुत सारी सूजी का बैटर लगा हुआ था तो इसी जार में मैंने पानी लिया है। और पानी डालकर फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसी तरीके से पतला बैटर ही बनाना है, अगर बैटर गाढ़ा हुआ ना तो फिर रोल्स अच्छे नहीं बनेंगे, तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेड करने के लिए ये प्लेट लिया है और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हमारा बैटर स्टीम हो जाएगा तो बहुत ही अच्छे से रोल्स बाहर आ जाएंगे। तो हल्का सा ग्रीसिंग करना है यहाँ पे। ये देखिए हमारा जो प्लेट है रेडी हो गया है और अब इसमें हम स्प्रेड करते हैं बैटर। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बैटर नहीं स्प्रेड करना है, 2 बड़े स्पून हम स्प्रेड कर रहे हैं और इस तरीके से बैटर को रोटेट कर लेना है ताकि चारों ओर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और अब इसे हम रखते हैं पैन के अंदर। तो स्टीम करने के लिए मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसे हम रखते हैं मोल्ड के ऊपर। आप यहाँ पे कोई कटोरी भी रख सकते हैं और बहुत ही जेंटली केयरफुली हमें इसे रखना है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले खाली प्लेट रखकर उसके बाद भी बैटर स्प्रेड कर सकते हैं। और अब इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर स्टीम करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गया, अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए ऊपर का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से स्टीम हो गया है। 2 से 3 मिनट में ही ये फटाफट से हो जाता है और इसे हम जेंटली पैन से बाहर निकालते हैं, पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद ही हम इसके रोल्स बनाएंगे। तो ये जो बना हुआ मिक्सचर है वो पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तो इस तरीके से हम इसे कट करते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो ये बहुत ही आसानी से कट होता है और डीमोल्ड भी हो जाएगा। और बिल्कुल जेंटली साइड को भी हम रिमूव करेंगे, इस तरीके से कट कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्टली ये रोल निकल जा रहा है बहुत ही अच्छे से। जब ये इस तरीके से सेट हो जाता है तो बिल्कुल परफेक्टली निकलता है और आप देख रहे हैं कितना पतला है, मोटा रहेगा तो ये टूटेगा, तो ध्यान रहे ये पतला होना चाहिए और परफेक्टली सेट भी हो गया है। तो इस तरीके से सभी शीट्स को हम बाहर निकाल लेंगे और चलिए अब इसके हम रोल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से देखिए फोल्ड हो जा रहा है और स्टिक भी हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही परफेक्टली बन गया है सूजी रोल्स और इसी तरीके से हम सभी रोल्स बना के रेडी कर लेते हैं। तो अब हम टमाटर की चटनी बनाते हैं। तो पैन में डालते हैं 1 चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म तेल में हम डालते हैं थोड़ी सी उड़द दाल, लगभग 1 चम्मच, और थोड़ी सी चना दाल भी डाल देते हैं। चना दाल और उड़द दाल को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और इसे हम हल्का सा ब्राउन होने तक सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है।
साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसे भी तेल के साथ थोड़ा सा सॉटे करेंगे। साथ ही में 4 से 5 पीस लहसुन भी डाल देते हैं और लो फ्लेम पर रखकर हल्का सा सॉटे करेंगे। हल्का सा सॉटे करने के बाद इसमें हम डालते हैं प्याज और इसे भी सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो प्याज को सॉटे करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे रफली चॉप कर लिया है और इसे भी हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसमें हम डालते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इसलिए पहले ही ऐड कर रहे हैं, और इसे हम बीच बीच में चलाते हुए सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। आप चाहें तो इसे ढककर भी कुक कर सकते हैं। तो ये देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए एकदम मशी हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमें कुक करना है। लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और यहाँ पे जो मैंने खड़ी लाल मिर्च यूज की है वो भी कश्मीरी है, वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। दोनों ही डालने से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये मिक्सचर ठंडा हो गया है और अब इसे हम डालते हैं जार में। बगैर पानी डाले हुए हम इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही चटपटी टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। और अब इस चटनी के ऊपर लगाते हैं हम तड़का। तो पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं राई। 2 चम्मच राई डालेंगे, साथ ही में थोड़ी सी उड़द दाल भी डाल देते हैं। राई पूरी तरीके से फूट गई है, अब इसमें हम डालते हैं करी पत्ता। फ्लेम को बंद कर देंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा हींग डालेंगे और तुरंत ही इस तड़के को हम डालते हैं चटनी के ऊपर। इसे चटनी के ऊपर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इस चटनी को आप 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम सूजी रोल के साथ सर्व करते हैं। तो ये देखिए बगैर तेल के बन गया है फटाफट से सूजी रोल्स, और साथ में जो टमाटर की चटनी है वो भी काफी टेस्टी बनी है। तो इसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।